दी टर्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए इन दिस मॉड्यूल डिस्कस दी एंड अदरकी ऑफ ए स्ट्रक्चर विच इज नोन एज दी एन ए दस फोल्डिंग ऑफ लार्ज क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल न्यूक्टाइड न्यूक्नरलीज दब ये हमने शुरू हुए थे कि एक सीक्वेंस बन गया सीधा अटैच हो गई प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया फिर डबल हेरिक्स बन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया अब अल्टीमेटली इस सारा कुछ ने क्रोमोसोम में पैक कैसे होना है जब ये इसने पैक हो जाना है क्रोमोसोम के अंदर तो वो दैट इज नोन एज दर्शी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए द डी डीएनए इज एसोसिएटेड विद टाइटली बाउंड बेसिक प्रोटीन विच आर कॉल्ड हिस्टोन्स हमने बोला था कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं ये हिस्टोन्स और एसडिक हैं? ये हिस्टोन्स जो हैं ये बेसिक हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज हैं These serve to order the DNA into fundamental structural units, which is called the nucleosome. अब क्रोमोसोम का जो इनिशियल स्ट्रक्चर बनेगा वो न्यूक्लियोसोम बनेगा और न्यूक्लियोसोम आगे जुड़ के जो है ना उसकी बनाते बनाते जो है ना जुड़ जुड़ के जो है ना वो क्रोमोसोम के अंदर पैक होते जाएंगे अब हम इसको देखेंगे इस मॉड्यूल में कि ये किस तरह न्यूक्लियोसोम बन रहा है और किस तरह अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम में ट्रश स्ट्रक्चर पैक हो रहा है देर आर फाइव क्लासेस ऑफ हिस्टोन्स डेजिग्नेटेड एच एज एच वन एच टू एच टू बी एच थ्री एंड एच फोर दीज आर पॉजिटिवली चार्ज हमने डिफाइन किया है कि नेगेटिवली चार्ज बेसिस हैं इसके साथ पॉजिटिवली चार्ज है ना वो, वो प्रोटीज होंगी और वो हमने उसकी डेजिग्नेशन उनके नाम बता दिए कि वह किस तरह उसको हम कहते हैं एच वन एच टू एच टू बी एच थ्री एच फोर एंड दीज आर पॉजिटिवली चार्ज एट फिजोलॉजिकल पी एच एज आ रिजल्ट देयर हाई कॉन्टेंट ऑफ लाइसिन एंड आर्जन अब अगर हम कॉल बैक करें अपने प्रीवियस नॉलेज को तो हमने कहा था कि आर्जिन और लाइसिन जो है वो क्या हैं वो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के अंदर लगे होते हैं और ये क्या है अमाइनो एसिड्स हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं इसकी वजह से ये रिच कॉन्टेक्ट कॉन्टेंट होता है इसका एस्टोन्स प्रोटीन्स के अंदर इसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो प्रोटीन्स बन जाती हैं जिसके अंदर लाइसिन और आर्जिन ज्यादा मकदार में होते हैं टू मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ एच टू एच टू बी एच थ्री एच फोर फॉर्म दल कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम अब स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम का किस चीज से बन रहा है कि दो मॉलिक्यूल हर एक के एच टू ए के दो एच टू बी के दो एच थ्री है एच फोर के इनके दो दो मॉलिकूल आपस में जुड़ जाते हैं ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इनको इस तरह एक धागे की तरह दो तकरीबन दो के करीब जो है, राउंड इसके उसके धागे का बन जाता है धागा तो कौन सा है डबल हेलिक्स ऑफ डी एन एराउंड दिस अ सेगमेंट ऑफ डी एन ए डबल हेलिक्स इज बोन्ड नियरली ट्वाइस अप्रोक्सीमेटली वन फिफ्टी वन बेस पेयर अब ये चारों प्रोटीन्स मिल गए इसको पकड़ा किसने कि इसी तरह ये चार प्रोटीन्स हैं अगर तो इस चारों को यहाँ से धागे के ये डी एन ए डबल ए से एक और तकरीबन दूसरा राउंड तकरीबन पौने दो राउंड के करीब जो है ना ये बन जाते हैं और ये उसका धागे को लपेट लेते हैं और इसका न्यूक्लियोसोम बन जाता है और इसके अंदर जो धागा डीएनए का है उसको हम कहते हैं अराउंड वन फोर्टी बेस पेयर जो हैं डायग्राम। है हमने बोला कि चार किस्म के चारों प्रोटीन्स हैं पांच डिफरेंट हमने प्रोटीन्स डिफाइन की उसमें से चार जो हैं H2A, टू H3 टू बी थ्री एंड एच फोर इसके हर एक के दो दो मॉलिक्यूल ये चार ऊपर नजर आ रहे हैं और ये चार नीचे नजर आ रहे हैं तो ये आठ मोलिकूल जो हैं इसके न्यू मिल गए और इसके ये डबल बाउंड जो हमें नजर आ रही है ये वाली ये डीएनए की इसके ऊपर तकरीबन राउंड टू टू इसके जो है ना इसके ऊपर लपेट लिया उसने और एक हिस्टोन पीछे रह गई हमने पांच किस्म की स्टोन डिफाइन की थी वो इसके दरम्यान में आने की बजाय ये दरमियान में जिस तरह धागे के दरम्यान बीड्स लगी होती हैं उस तरह ये एच वन इसके दरम्यान लगी होती है सो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम इट इज द

तो ये डी एन रैप करके अगले न्यूक्लियोसोम तक ये धागा चला जाता है डी का डबल हेलिक्स का और तकरीबन इसको डी लिंकर बोलते हैं दिस 50 बेस डी एन एज कॉम्प्लेक्सड विद दी फिफ्थ टाइप ऑफ स्टोन विच इज एच वन ये जब ये लिंक दरम्यान में दो बन गया हमने कहा था वन फोर्टी बेस पेयर का तकरीबन जो है वो हम इस डायग्राम को दोबारा देखते हैं हमने बोला था कि ये तकरीबन तो दो के करीब यहां से लेके यहाँ तक अगर हम देखें दोबारा तो अराउंड टू सर्कल्स इसके उसने घूम गया उसके और न्यूक्लियोसोम बन गया और ये इसको लिंक कर रहा है ये लिंकर डी इसके अंदर हमने बोला था अराउंड वन फोर्टी बेस पेयर होंगे जबकि दिस लिंकर डीएनए के अंदर या दिस लिंकर डीएनए के अंदर अराउंड फिफ्टी बेस पेयर होंगे और तो ये पांचवें किस्म की फिफ्थ टाइप ऑफ हिस्टोन इज प्रेजेंट इन दिस DNA, but not in बट नॉट इन दिस न्यूक्लियोसोम इन साइड न्यूक्लियोसोम लाइक अ बीड इन ये जिस तरह स्ट्रिंग में दाने पर होते हैं उस तरह की ये बन जाती है न्यूक्लियोसोम्स कैन बी पैक्ड मोर टाइटली टू फॉर्म पोली न्यूक्लियोसोम्स ऑल्सो कॉल्ड द्यूक्लियोफिला और अ थर्टी नैनोमीटर फाइबर अब ये न्यूक्लियोसोम्स हमने बना लिए न्यूक्लियोसोम बहुत सारे जब मिलते जाते हैं मिलते जाते हैं तो ये काफ़ी सारे पोलियो न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं पैक्ट हो जाते हैं और इसको हम जो है ना न्यूक्लियो नुक, फिलामेंट भी बोलते हैं और थर्टी नैनोमीटर फाइबर भी बोलते हैं दी फाइबर इज ऑर्गेनाइज इन टू लूप्स दैट आर एंकरड बाई न्यूक्लियर स्केफोल्डिंग प्रोटीन्स अब यहाँ एक और किस्म की प्रोटीन्स आ गई कि न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन्स लगी हुई थी अब ये हिस्टोन्स जो, जो है ये ये न्यूक्लियोसोम बन गया न्यूक्लियोसोम जो है ना अल्टीमेटली लूप्स की फॉर्म में हो गया और इसके एंड पे आके इसके फोल्डिंग प्रोटीन लग जाएगी और इसके फोल्डिंग प्रोटीन के साथ बनते बनते रॉसेट्स बन जाएंगे और ये रॉसेट्स जो है ना ये अल्टीमेटली जो है वो क्रोमोसोम में पैक हो जाएंगे दिस इज द डायग्राम विच डिफाइंस ये हमने कहा था ये अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर चेंज जाए ये डबल एल एक्स बन गया ये हिस्टोन्स इसके साथ अटैच हो गए ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया ये न्यूक्लियोसोम बन गया ये पोली न्यूक्लियोसोम बन गया अब ये न्यूक्लियोसोम सारे इकट्ठे होकर ये क्रोमोटिन लूप और थर्टीन नैनोमीटर फाइबर बन गई और इसके एंड पे लूज बन के ये इसके फोल्डिंग प्रोटीन्स बन लग गई अब ये इसके फोल्डिंग प्रोटीन्स आकर इस तरह ये लूप इस तरह लगते जाते हैं तो ये फूल की शक्ल के जो है ना रोसेट्स ऑफ द क्रोमोटिन लूप्स बनते जाते हैं और ये अल्टीमेटली पैक होते 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 ये क्रोमोसोम की फॉर्म में अल्टीमेटली बन जाते हैं सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द Chromosome, which is formed, generated from the primary, secondary, and tertiary structural hierarchy of the DNA. The additional levels of organization lead to final chromosome structure. Now, ultimately, this final structure, jo hai na, wo chromosome, ka jata hai, which is present in the eukaryotic and prokaryotic cells of the organisms of different types.